सूबे की कानून व्यवस्था हुई बदतर, पुलिस की हिरासत में हो रहे मर्डर, जेल से लेकर सड़क तक खूनी खेल, आखिर क्यों सरकार हो रही फेल। जी हाँ, ये कैसी कानून व्यवस्था है, क्या इसी की उम्मीद लगाई थी उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां ना घर पे सुरक्षित है ना सड़क पर। उम्मीद के आंगन थाने तो बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों के गवाह बन रहे हैं, अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं रहे। सरकार के लोहे वाले इरादे और सारे दावे तो सहम कर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस के पहरे में हो जाती है हत्या। सूबे की कानून व्यवस्था हुई बदतर, पुलिस की हिरासत में हो रहे मर्डर, जेल से लेकर सड़क तक खूनी खेल, आखिर क्यों सरकार हो रही फेल। जी हाँ, ये सवाल दरअसल इसलिए, जहां थानों में बलात्कार हो रहे हैं, वहीं मथुरा जेल में गोलीबारी हुई, एक कैदी की हत्या हो गई, उसके बाद इलाज के लिए ले जाए जा रहे कुख्यात बदमाश राजेश टोंटा की रास्ते में हत्या कर दी गई। उधर ग्रेटर नोएडा में भी सड़क पर हो रहे हैं गैंगवार, यानी सड़क, थाने और जेल, सब जगह चल रहा है खूनी खेल। बड़ी उम्मीद के साथ सौंपी थी सूबे की जनता ने लोहिया के वाहकों को सत्ता की बागडोर। सोचा था सब बदल जाएगा, इसलिए सत्ता बदल दी, सरकार बदल दी, बदलाव की बेला में मुखिया बदल गए, लेकिन माहौल नहीं बदला, उम्मीदों को आसरा नहीं मिला। उन्मादी सभ्यता के सारे अवशेष जीवित अवस्था में हैं आज भी। सरकार के तमाम दावों के बीच दर्द की लकीर और गहरी होती जा रही है सूबे में। सुरक्षा का सवाल तो शून्य में समा चुका है। क्या सितम है कि थाने से लेकर जेल और जेल से लेकर सड़क तक खूनी खेल चल रहा है। मथुरा की जेल रणभूमि बन गई, सुरक्षा के सारे दावे सिसक सिसक कर मर गए। पुलिस और पहरेदारों की मौजूदगी में एक कैदी की हत्या हो गई, वो भी हथियारों से। खून का यह खेल जेल तक ही सीमित नहीं रहा, गोलीबारी में घायल कुख्यात राजेश टोंटा की हत्या भी हाईवे पर कर दी बेखौफ बदमाशों ने, जबकि प्रदेश की बहादुर पुलिस पीछे चल रही थी उसकी एम्बुलेंस के। यह है सरकार का इकबाल, जो सिर्फ भरोसे के खुराक पर जिंदा है। यही भरोसे की खुराक पूरे प्रदेश में बांटी जा रही है, सलवटें सबके माथे पर सरक आई है। वैसे भी सवाल चंद मुट्ठी भर लोगों के चिंतन का नहीं, पूरे प्रदेश का है। कांग्रेस कह रही है पूरे प्रदेश की यही कहानी है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहेंगे, लगभग पौने तीन साल इस सरकार को होने को आ गए और अभी तक कानून व्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री जी के चाहते हुए भी इस तरह की व्यवस्था हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि जो पुलिस अफसरान हैं, वो कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार तो जैसे संकट आने पर ही चेतने की आदी हो गई है, लेकिन सिसकता सूबा अब आने वाले कल की सुरक्षा की पुकार लगा रहा है। विरोधियों को फिर दरारों से झांकने का मौका दे दिया सरकार ने। सरकार की नीति से लेकर नीयत तक सब में खोट नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से इस प्रदेश के अंदर गुंडे तत्व, मवाली, अराजक, माफिया, इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। और ये जो जेल के अंदर गैंगवार हुई है, जिस प्रकार की चीज आपने देखा, ये कोई नया नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही गुंडे और माफियाओं को लगता है मेरे उनकी सरकार आ गई है, और जब ऐसा लगता है तो कहां कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, गैंगवार कर सकते हैं। बहरहाल, उम्मीद की चिड़िया तो न जाने कहां उड़ गई उत्तर प्रदेश से। सरकार, वैसे भी ये उम्मीदें बहुत मामूली हैं सूबे की, लेकिन मामूली इतनी कि बस सुकून से ले सकें सांस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उम्मीद के साथ उगने वाला सूरज अब तो यहाँ नाउम्मीदी के साथ डूबने लगा है, क्योंकि सड़क, थाने और जेल, सब जगह हो रहा खूनी खेल। कुछ कीजिए सरकार। मथुरा से समाचार प्लस के लिए अनूप शर्मा के साथ साजिद अली की रिपोर्ट। जी हाँ, सड़क, थाने, जेल, हर जगह खूनी खेल, तो ऐसे में सवाल उठेगा ही कि आखिर कहाँ है सूबे में कानून व्यवस्था। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार राय भी हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार जी, सबसे पहले आपके पास, आप क्योंकि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क पर अपराध हो समझ में आता है, घर में घुसकर भी वारदात को अंजाम दे जाते हैं अपराधी, वो भी समझ में आता है क्योंकि वहां पर पुलिस नहीं होती, लेकिन जेल में मर्डर की गुत्थी जरा समझा दीजिए, वो भी वहां जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा होता है और कहा जाता है कि परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जी। जेल एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां बड़ी सुरक्षित जगह होती थी, यहां तक कि अपराधी भी जब उनके ऊपर बाहर अगर खतरा मंडराता था तो लोग अपनी जमानत कटा करके जेल में चले जाते थे इस बात के लिए जी कि कम से कम जेल उनके लिए एक सुरक्षित स्थल था, वहां पर उन्हें कम से कम किसी तरह का खतरा नहीं हुआ करता था। और जो इस तरह की घटना हुई है जहां पर जेल के अंदर घुस करके और जेल में जिस तरीके से वहां पर लोगों के पास असलाह पहुंचे हैं जी, जिस तरह से उनके पास रिवाल्वर पहुंची है, उनके पास जिस तरह से असलाह पहुंचे हैं, कुछ ये अनथिंकेबल है। ऐसी बात समझ में नहीं आती कि इस तरह कैसे हो रहा है, कहां व्यवस्था में कमी है, क्या चीज हो रही है, किस तरीके से लापरवाही हो रही है, अनथिंकेबल है बिल्कुल। हरिचंद श्रीवास्तव जी, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, खुद बलात्कारी सिपाही हैं, दरोगा हैं जिन पर ये आरोप लगा है, इसके अलावा जेल में मर्डर हो रहा है, तो फिर आखिर कौन सी जगह सुरक्षित है? जहां तक का उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून व्यवस्था का प्रश्न है, आप ये देखिए कि विधानसभा से एक फरलांग की दूरी पर एटीएम लूट लिया जाता है, गवर्नर हाउस के पास लूट हो जाती है और जेल में इस तरह से वारदातें हो रही हैं, तो ये तो निहायत चिंता का विषय है और प्रदेश की जनता पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करती है जी। मुझे लगता है कि जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, आप देखिए कि अगर किसी जिले में कलेक्टर ईमानदार चला जाता है या सख्त चला जाता है तो पूरे जिले की प्रशासन व्यवस्था वो चुस्त दुरुस्त हो जाती है, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो ना खत्म हो लेकिन लोग समय के पाबंद हो जाते हैं और उसमें काफी कमी दिखती है। यहां तक कि थाने में अगर कोई ऐसा ईमानदार चला गया और सख्त चला गया तो पूरे इलाके में अपराध कम हो जाता है, तो सरकार की नियत और सरकार के इकबाल पर कानून व्यवस्था सूबे की चलती है जी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल कमजोर है जिसके कारण गुंडे माफिया इस तरह से वारदातें कर रहे हैं ठीक है, और दुस्साहसी होकर के ठीक है। अनाज कानून के इकबाल को कायम करने के लिए पुलिस को बिठाया जाता है, लेकिन पुलिस के इकबाल और ईमान दोनों पर जब सवाल उठेंगे तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सूबे में आखिर कहां है कानून व्यवस्था, कहां है सुरक्षा? देखिए, पुलिस तो अब ऐसा लगता है गैंग मात्र होके रह गई है, क्योंकि हर मुद्दे पे, चाहे वो रेप हो, थाने में रेप होने लग गए हैं, जिस तरीके से अब जेल में हत्याएं होने लग गई हैं, जेल में असलहे पहुंचने लगे हैं, तो ये जो पुलिस की नई कार्य प्रणाली आज उजागर हुई है और होती चली जा रही है लगातार, जिस प्रकार अभी गवर्नर हाउस के सामने लूट, विधानसभा मार्ग पे लूट जहां पुलिस बहुत भारी संख्या में रहती है, इसके अलावा अभी जो आपके चैनल पे भी दिखाया गया जिस हाईवे पे हत्या हुई है उसमें पुलिस ही पुलिस थी हर तरफ, उसके बाद हत्यारे हत्या करके निकल जाते हैं, सीधा सीधा इस पे मेरा आरोप है कि सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार किसी से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है, अधिकारियों के जो जवाब होते हैं वो भी खाना पूर्ति के लिए होते हैं, जांच चल रही तो अधिकारियों को वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है, एक कैसेट बना ले आपके जब रिपोर्टर पहुंचे तो उनको कैसेट सुना दें जी, क्योंकि अधिकारी कहते चलो आगे बढ़ो, हो गई बात जी। जिस तरीके के लहजे अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इस बात की जरा सी भी शर्मिंदगी है कि उनके रहते इस तरह की घटनाएं घटित होती जा रही हैं। आदमी आज घर में भी सुरक्षित नहीं है, सड़क में भी सुरक्षित नहीं है आम जनता, क्योंकि पुलिस संलिप्त है इन सब चीजों में जी। और ये पूरी तरह इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस आपके पास, फिर हम लौटेंगे। आसिम वकार जी, क्या सूबे में कहीं कोई कानून व्यवस्था दिखाई देती है मौजूदा सरकार के राज में? कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर खुद को सुरक्षित महसूस किया जा सके? बिल्कुल, पूरा उत्तर प्रदेश जी सुरक्षित है, लेकिन जिस गैंगवार के लिए आज आप लोग यहां पर बहस कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर है। अपराध नहीं, वो दो अपराधियों के बीच में थी, अगर मेरी बात पूरी सुन लें
जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी जी जी, वरना मुझे रुकना पड़ेगा कि कब आप टोक दें। बोलिए जी। बोलूं? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए, दो अपराधी हैं और अपराधी किस वक्त क्या करेगा ये शायद मेरे ख्याल से ना हमें पता होता है ना आपको पता होता है। सरकार पर आप सवाल तब खड़ा करते जब सरकार ने ठोस और स्थायी कदम ना उठाए होते। जिस तरह से लोगों को सजाएं दी गई, जेल से जुड़े लोगों को, अभी आपने खुद ही बताया है कि वो सिपाही चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है जिसके जरिए से आर्म्स अंदर पहुंचाए गए थे। तो मैं समझता हूं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये बहुत छोटी बात होती है। इस तरह के अपराध मैं समझता हूं कि जब से इंसान है तब से होता चला आ रहा है। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक ऐसी तरह का कांड हुआ था, उसमें एक अपराधी था, वो शायद प्रिंस नाम का था, उसकी भी हत्या हुई थी, जेल में इसी तरह से मारा गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें अंदर और बाहर हर तरह से, थानों में भी सिपाही कुछ गड़बड़ कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे और बाहर भी कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जो पुलिस है वो भी हम आप इंसानों के बीच से ही चुनकर आते हैं जी, और इंसानी दिमाग कब पलट जाए, कब क्या हो जाए, इसके लिए कोई कुछ नहीं आप कर सकता है। कि सूबे की जनता सुरक्षित नहीं है, इंसानी दिमाग है, सिपाही अपराधी भी बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे वो नहीं बनेंगे दीजिए तो मैं आपकी जो आप कहिएगा नहीं बताएंगे। आपको बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, आप कहना चाह रहे हैं हर सरकार में अपराध होता रहा है और इस सरकार में भी हो रहा है और आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, जो छिपाने उन पर कार्रवाई। बता सर, आपके पास फिर लौटेंगे ना? नहीं, आप फिर लौटिएगा या ना लौटिएगा, एक बार मुझे मौका दे दीजिए, पूरे घंटे बिठा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, लेकिन मेरी बात को गलत तरीके से पेश मत करें, जल्दी से बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, जिस तरह से सजा दी गई है, चिन्हित किए गए हैं पुलिस वाले या जेल के लोगों को सजा दी गई है, सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए, गिरफ्तार किए गए, मैं समझता हूं कि सरकार बहुत गंभीर है और अपराधी अगर अपराध करने में नहीं चूक रहे हैं तो हम भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में ना चूके हैं ना चूकेंगे। ठीक है अमिताभ जी, कार्रवाई कर रही है सरकार, गंभीर है, फिर वो हनक और वो कानून का खौफ क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आज ग्रेटर नोएडा की सड़क पर हुए गैंगवार के लिए मैं बहस करने नहीं आया। केवल बकार साहब, मैं बहस करने आया हूं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, समूचे उत्तर प्रदेश में मचे हाहाकार पर। बदायूं, मेरे बदायूं को ऐसा ग्रहण लगा कि वहां के पुल, आपकी सरकार बहुत गंभीर, छत पे खड़ी होकर चिल्ला रही कि हम गंभीर है, सुनो सुनो गंभीर है, और उसके बाद बदायूं के पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं। हर हफ्ते एक लड़की के साथ वहां दुष्कर्म हो रहा है, कहीं छत से फेंक दे रहा है दरोगा, कहीं सिपाही पकड़ ले जा रहा है थाने में, कहीं कोतवाली में जीप में डाल के ले जा रहा है, क्या हो रहा है भाई? फिर इकबाल में नहीं मान सकता ऐसी गंभीरता को, ओढ़े की बिछाए, ओढ़े की बिछाए। और कल को भारत का रक्षा मंत्री ये कहने लगे कि सेना में भी आदमी जाते हैं भाई, अब वो चोर हो गए, वो शक्के हो गए, पाकिस्तान से मिल गए तो हम क्या करें, ये तो तर्क नहीं है ना। एक दूसरी बात, मथुरा का उदाहरण सामने, गोरखपुर का उदाहरण सामने, कहां जाएं, कहां सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, किस इलाके में सुरक्षा है, मुझे समझ आए ना। और पूरा 23 करोड़ की आबादी विक्रमादित्य मार्ग पर तो समा नहीं सकती, जो सुरक्षित हो जाए कहां जाएगी? एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, कालपी, मऊ, आजमगढ़, मैनपुरी, कहां जाएगा आदमी? यही रहेगा ना कि 22 करोड़ लोग एक गली में आके लखनऊ की बढ़ने लगेगी तब सुरक्षित होंगे क्या? ये बड़ा मसला है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण समझनी होगी, या तो मैं मान लूं उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्षम है, मैं ऐसा नहीं मान सकता, नहीं। मैंने अपने 25 बरस में इसी पुलिस के द्वारा किए गए बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं, मुझे एहसास भी है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि 10,000 पुलिस वाले सब नाकारा है, ऐसा नहीं बोलूंगा। फिर दो सवाल उठते हैं, या तो जो इनको लीडरशिप मिल रही, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो मैच्योर नहीं है,
उसका इकबाल बुलंद नहीं, वो या इनको वो काम नहीं करने दे रही, इनके हाथ पैर बांध दिए, या इनकी मिली भगत है। तीनों चीजें बराबर पर खड़ी है उत्तर प्रदेश के सामने। या तो पुलिस और अपराधियों में गठजोड़ है, सक्षम तो है पुलिस, जिसको टारगेट पे ले ले उसको ले ही लेती है। मैं यहां नामों में नहीं पढ़ना चाहता कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया पुलिस ने मार दिए, जब चाह लिया तो मार दिया। मुझे एक स्मरण है, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा माफिया था और सरकार ने चाह लिया था असीम वकार जी, उस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश उसके ताप से झुलस रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश, अधिकारियों की टांगे कांपती थी उसके नाम से ही। उसको यहां वैशाली, गाजियाबाद में वैशाली में लाके अटल चौक के पास सड़क पर उतार गोली मार के मार दी थी पुलिस। इसी पुलिस ने काम किया ना, इसी पुलिस ने निर्भय गुजर पकड़ा, इसी पुलिस ने छविराम और पोथी और लालाराम पकड़े, ये मारे, नकारा नहीं। या तो मिली हुई है, यह राजनीतिक लोग काम नहीं करने दे रहे, यह सरकार का इकबाल रसातल में चला गया। तीनों बातें हो सकती, चौथी कोई बात हो नहीं सकती। तीनों बातें अशुभ है इस प्रदेश के लिए। जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो नृपावस नरक राधिकारी। कहां जाए लोग, किसे शिकायत करें? राजेश राय ठीक करे, जेल में भी मर रहा आदमी, सड़क पर भी मर रहा, रेल में भी मर रहा, बस में भी मर रहा, थाने में लड़की सुरक्षित नहीं। अभी एक इस पुलिस के आदमी ने पकड़ ले गया, पुलिस लाइन में अपना जहां उसका क्वार्टर था वहां लड़की ने प्रतिरोध किया तो उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया, ऐसा क्रूर। उसी बदायूं में लगातार घटनाएं घट रही, लगातार घटनाएं घट रही। एक जिला ने सुधर रहा, वहां के पुलिस वाले ने सुधर रहे, आप पे तो कह दीजिए बदायूं को उत्तर प्रदेश से अलग कर दो भाई, मेरे बस का नहीं बदायूं, यही बोल दो हुकूमत उत्तर प्रदेश, यही बोल दे कि गोरखपुर जेल मेरे बस की नहीं, मथुरा जेल मेरे बस की नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया मेरे बस में नहीं, बदायूं मेरे बस में नहीं, छोड़ो, बोलो तो। आप अगर फिर भी ये कहोगे कि नहीं स्थिति सामान्य है और तनावपूर्ण भी नहीं है और बिल्कुल कंट्रोल में है तो मैं नहीं मानूंगा। हर लाश हर बवाल ये कहता है कि स्थिति खराब हो रही है। एक अपराधी था, वो भी अपराधी था, क्या नाम था, टोटा, क्या नाम था जी, राजेश टोटा, पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा था असीम मकार जी, चार गाड़ी आगे और चार गाड़ी पीछे, अशोक किलाट लगा के लिए बंदूक, कैसे मार दिया लोगों ने, कैसे मर गया, कुछ सीमा है कहीं, इससे ज्यादा सुरक्षा और क्या होगी। वो गाड़ियां क्या कर रही थी, उनमें बैठे लोग मोम के पुतले थे, ये खिलौने वाली वो लेके गए थे बंदूक, क्या मसला था, उनके पास गोली नहीं थी, क्या हुआ, कैसे मर गया आदमी पुलिस की अभिरक्षा में। आप जानते थे कि ये अपराधी है, पुलिस को पता था, अरेंजमेंट किया गया, हाई प्रोटेक्शन में ले गए आप उसको और बीच सड़क पर मारा गया, मथुरा से आगरा जाते समय, कैसे हो गया। इसलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है और बाबू से, चपरासी से, सिपाही से, होमगार्ड से, दरोगा से बात करें, डीजीपी जो तनख्वाह लेते हैं इस बात की, मैं बात करूंगा सरकार से, न डीजीपी को से लेके और होमगार्ड तक को मैंने वोट दिया, न मैं उनको जानू, मैं जानता हूं उसको जिसको मैंने वोट दिया, सवाल भी उससे जवाब भी उससे चाहिए। बिल्कुल अमरनाथ जी, अगर सरकार ऐसे माहौल में भी कहेगी कि हम गंभीर हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर सूबे की जनता का राम ही रखवाला है। देखिए, सूबे की जनता की चिंता सरकार की प्राथमिकता नहीं है जी, सरकार की प्राथमिकता अपने चाहते अधिकारियों को बैठाने की है। सक्षम अधिकारी कहीं ना कहीं डिब्बे में बंद हैं और जिस तरह के अधिकारियों से सरकार काम लेना चाह रही, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई भी हो, उसमें हर जगह सरकार फेल है। इस सरकार हर मुद्दे पे फेल है, हर मौके पे फेल है और सरकार जिस बेशर्मी से अपना बचाव रखती है वो तो और गंभीर है।
चाहे वो कोई मुद्दा रहा हो, प्रदेश के किसी भी व्यवस्था का, यादव सिंह का मामला आपने लगातार उठाया, आज क्या स्थिति है, ढाक के 3 पात चले, 2.5 कोस 9 दिन चले, 2.5 कोस। इस मुद्दे में भी जब एक चीज वज्र वाहन कहलाता है, पुलिस का बड़ा वज्र वाहन भी पीछे पीछे चल रहा है, उसके बाद भी हत्याएं हो जा रही हैं, सरकार अब क्या जवाब दे? बदायूं की बात है, चाहते पुलिस वाले एक्शन होने में सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता इस पे बयान नहीं देता है, नेता का बयान। ठीक बात कही आपने राजेश राय जी, मुझे बताइए दो बातें जनता के बीच में ट्रेवल कर रही हैं एक साथ। ये वो मान रही है या तो पुलिस अक्षम है, नपुंसक है, कायर है, एक, या पुलिस अपराधियों से मिली जुली है और राजनेताओं का संरक्षण हासिल है, इसमें से किस बात को ज्यादा सही माना जा सकता है? मैं आपसे इसमें यह बात कहना चाहूंगा कि पुलिस अक्षम है, इस बात को मैं मानने के लिए स्वीकार, इसको मैं इसको मानने के लिए मैं इसको तैयार नहीं हूं। ये मैंने भी कहा, ये मैंने भी, यही वो पुलिस है जी जो जब उसको मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूं कि जब यही पुलिस है जब उसको ऊपर से संरक्षण मिलता है, जब उसको ये संरक्षण मिलता है कि जब तुम सही काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, जब उसको ये संरक्षण मिलता है कि तुम अपराधियों का सफाया होना चाहिए, जब उसको ये संरक्षण मिलता है कि अपराध में अपराध नहीं होने चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने चाहिए, तो यही पुलिस रिजल्ट निकाल करके ले आके दिखा देती है। आज क्या हो गया है, आज ऐसी कौन सी बात हो गई है? आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जब एक सिपाही अगर ये कहने की स्थिति में रहता है कि इंस्पेक्टर साहब आपने मुझे यहां से हटवा दिया, आप देखिए मैं लौट करके यहीं आता हूं, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और एसएसपी नहीं रहता है, जब इस तरह की नौबत होगी, जब जो सबऑर्डिनेट है उसका इतना मनोबल ऊंचा रहेगा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी यह स्थिति है कि वो दरोगा का, इंस्पेक्टर का, डीआईजी का, एसएसपी का तबादला करवा सकता है, उसकी ये पावर है, तो जब मनोबल गिरा हुआ है, जब मनोबल में उठान नहीं है, मनोबल में जब वो दम नहीं है, ताकत नहीं है, जज्बा नहीं है, तो ये चीजें तो होंगी। ठीक कहा राजेश राय आपने, गाजियाबाद में एक नई उम्र के कप्तान आए, उनका ग्रह नक्षत्र कुछ खराब था, वो हो एक दिन इंदिरापुरम थाने चले गए निरीक्षण करने, बकार साहब सुन लो कैसे राज चल रहा है, वहां एक सिपाही पान खा के लेटा हुआ था, उससे टकरा गए एसएसपी, उनके ग्रह खराब थे बिचारों के, खैर डांट फटकार कर दी, बोल भगा उसको निलंबित करो, ये करो वो करो, उस वक्त तो उसको इंस्पेक्टर ने कहा भाई तू जा थाने से, वो बाहर चला गया घूमने फिरने, देर रात एसएसपी अपने घर पहुंचे तो उनके पास लखनऊ से फोन आया, मैं नाम ना एसएसपी का लूंगा ना फोन करने वाले का लूंगा, उस एसएसपी ने मुझे दोनों नाम बताए थे, हालांकि उन्होंने कहा कि भाई आपको इतना बड़ा जिला दे दिया, आप वहां कहां उलझने पहुंच गए, बड़े कामों पे दिमाग लगाइए, उधर मत उलझिए, यह हैसियत तो सिपाही की हो गई। राजेश जी पुलिस काम करे तो कैसे करे? बिल्कुल बकार साहब, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। पुलिस का इकबाल रहे तो इकबाल जिसे आपने बात किया, इकबाल की आपने बात की, दरोगा एसपी के सामने मेज पे पैर रखने की हिम्मत कर रहा है, बिना एसएसपी को कॉन्फिडेंस में लिए थानेदार तैनात हुआ जा रहा है, मेरे पास उदाहरण है, एसएसपी बैठा है बेचारा, उसको पता नहीं कि उसके थाने में कौन अपॉइंट होके कहां से चार्ज ले गया आके, बोले भैया जी से बात कर लो, चाचा जी से बात कर लो, फूफा जी से बात कर लो, यानी घरेलू टीम चल रही है, क्या हो रहा है, पुलिस किसको फिर वो दुजाना और मुजाना कुजाना, ये जितने गैंगस्टर इनसे क्या खा के लड़ेंगे? बकार साहब, अमिताभ भाई जी, अभी अग्रवाल साहब ने बहुत जोरदार आरोप लगाया समाजवादी पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है। देखिए हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो आईन है, हम सबको उसका पालन करना है और हम सब पालन करते हैं। मैं अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर अपराध हुआ और पुलिस वालों ने कुछ किया है तो सब निलंबित भी हैं, बर्खास्त भी हैं, सिपाही जिसके ऊपर ये आरोप तय हो गया कि इसने हथियार अंदर पहुंचाए थे उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है,
मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इसमें सरकार का इकबाल इनको कहां मैं बता रहा हूँ असीम प्रकाश जी, मैंने वो नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं मैं, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, नहीं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा हमारे देश में और क्या व्यवस्था है सजा की। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, उनको छोड़ दिया जाए, असीम प्रकाश जी उनको छोड़ो ना, मैं बता रहा हूँ ना, उनसे पूछ लीजिए एक बार, आप तो बता रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, आरोप अगर लगा रहे हैं तो जवाब भी तो दे दें एक बार। असीम प्रकाश जी ये कांग्रेस, एक सेकंड अमरनाथ जी, ये कांग्रेस का और भाजपा और बसपा का केस नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का मुकदमा है जो मुझे लड़ना होगा। भाजपा क्या कहती, कांग्रेस क्या कहती, सपा क्या कहती, इनसे मुझे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। मसला ये है, सुन लीजिए, नहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, चार वाहन आगे चार वाहन पीछे, वज्र वाहन कैसे मार दिया गया आदमी रोड पर, इससे बड़ा और कोई कानून व्यवस्था का उदाहरण होगा क्या? चार एस्कॉर्ट कर रहे एक वाहन आगे चार पीछे, बीच में वो टोटा और उसको लोग मार के चले गए, कोई पुलिस वाला नहीं मरा, कोई अपराधी नहीं मरा, मारने वाला क्या हो गया, फिल्मी स्क्रिप्ट है क्या? और फिर हमसे आप कहो कि नहीं नहीं आप मान लो कि इकबाल अच्छा है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है और सरकार गंभीर है, ये मान लो, कैसे मान लूं भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस तर्क में हारे कि जीते, भाजपा तर्क दे पाए नहीं दे पाए, उससे उत्तर प्रदेश को क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश किसी एक पार्टी के उससे बंधा नहीं ना, पार्टियों का भविष्य अच्छा हो बुरा हो क्या फर्क पड़ता है, हजार दो हजार पांच हजार लोगों का भविष्य जुड़ा है उससे, लेकिन यहां तो 22 करोड़ लोगों का सवाल है। अग्रवाल साहब आप कुछ आप कहना चाह रहे थे, आपका नाम लेके कहा था वकार साहब ने, कुछ बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, वकार साहब ने कह दिया आरोप, वकार साहब ने खुद एक बात कही थी कि बसपा सरकार में भी हुआ था ऐसा, तो इसलिए इसलिए है इनकी कि हमारे यहां भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, और हम जनता की आवाज है, अगर हमने कोई बात पूछी है आरोप नहीं है, हमारी बात हो रही है, आपके चैनल में बहस हो रही है, मैं आपसे बहस रहा हूँ, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रखते हैं, गिरफ्तार करके वकार साहब दिया है, सिपाही का काम नहीं है ये, आपसे क्या होना चाहिए? उसके बाद एसएसपी और आईजी डीआईजी जैसे अधिकारी भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मुद्दे पे, जब उसको भेजा गया ट्रांजिट किया गया है, उसके बाद ये घटना क्यों हो गई? अंतर्राष्ट्रीय वकार साहब को देना पड़ेगा, आखिर सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? मैं ये अपराधी और सिर्फ जेल के सिपाही, वहाँ हथियार जा रहा है, जेल के सिपाही मिले हुए हैं, अपराधी योजना बना रहे हैं, हो रहा था कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वकार साहब पूरी जेल व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहिए। कहूँ वकार साहब, कई बार परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं जहां सरकारों को सत्तारूढ़ पार्टियों को मान लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई, वो ज्यादा बेहतर थे। जैसे ये ट्रांजिट में जो आदमी मारा गया ना, आप 100 दिन तक तर्क देते रहिए कोई नहीं मानेगा, एक घंटा नहीं 100 दिन तक बोलते रहिए, आपके परिवार के लोग नहीं मानेंगे, भाभी जान ही नहीं मानेंगे, आप शाम को घर रात में घर जाओगे वो कहेंगे गलत बात बोल रहे थे आप, वहां क्या करेंगे? नहीं कैसे कोई मान लेगा? मथुरा में जेल गैंगवार हुआ, जेल के भीतर गृह सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, एडीजी, लैंड ऑर्डर से लेके और दरोगा तक मथुरा का सब लाइनअप हो गए कि भाई मामला गंभीर हो गया, सरकार का चेहरा खराब हो गया, अब इसको सुरक्षित ले जाना है जी। तब तो पूरा अमला निकला था ना, जितने बहादुर थे शेरजंग, और कोई नहीं मरा, 5-7 पुलिस वाले भी शहीद होते, 2-4 मारने वाले मरते, फिर टोटा मर जाता, मैं समझ में आता कि भाई आपने लड़ा बहादुरी से, ये मसला क्या है? इस कहानी को कौन निगल लेगा? ये कैप्सूल नहीं निगला जाएगा बकार साहब, 100 दिन बहस करो फिर भी। नहीं मैं कैप्सूल नहीं दे रहा हूं ना, मैं तो बहुत जनरल सी बात आपसे कह रहा हूं, जनरल बात का मसला नहीं आज, एक जनरल बात का समय तो बीत गया, पूरी पुलिस को बुरा नहीं कहा जाए, पूरी सवाल नहीं, मैंने कहा बदायूं में 3 घटनाएं घटी हाल में, एक ही सी पुलिस वालों ने लड़की से दुष्कर्म किया और जो नहीं कर पाया उसने नीचे फेंक के मार डाली बिटिया, आखिर क्या हो रहा? वही जिला, वही कुतवाली, क्या हो रहा भाई? कुछ तो कहीं तो कुछ तो लगाम होगी, या बदायूं को उत्तर प्रदेश से हटा दो, फिर कह दो भाई बदायूं में मेरा शासन नहीं चलेगा, मेरी बात नहीं मानते वहां के पुलिस वाले। दोनों सिपाहियों को
अरे आप असीम वकार जी और गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। नहीं मैं ऐसा मैं नहीं एक सेकेंड मित्र, 10,000 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के, उसमें से 3,000 पुलिस वाले यही काम करने पर आमादा हो जाएं और आप रोज 100 वो लड़कियों को पकड़े 100 और आप रोज 100 को सस्पेंड करो, उससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ? उत्तर प्रदेश तो तबाह हो जाएगा ना। आपका खौफ क्यों नहीं इतना कि बदायूं में जब पहली बार घटना घटी उसके बाद तक 10 साल तक वहां की पुलिस सीधे खड़ी रहती, ऐसा खौफ नहीं? जब पुलिस जो आपके अधीन है उस पर आपका नियंत्रण नहीं तो आप अपराधी पर क्या नियंत्रण करेंगे? पुलिस तो आपके सीधे नियंत्रण में है ना। जब वो नहीं मान रही आपकी बात, खेत पर गई सुबह शौच के लिए गई बच्ची को जीप में डाल के ले गया दरोगा, वो नहीं सुन रहा आपकी सरकार की, तो अपराधी क्यों सुनेंगे भाई? बताओ आप बगैर सब अपराधी क्यों सुनेंगे? नहीं देखिए आपकी बात जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं मैं उससे कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बदायूं में सिर्फ दो ही सिपाही हैं, एक ही दरोगा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अरे तीन घटनाएं हाल में घट गई है जो जान पे जान पर खेल कर हथेली भी जान लेकर लोगों की सुरक्षा करते हैं। अरे तो क्या हम अभी ये इंतजार करें कि अभी तीन ही घटनाएं बलात्कार की हुई है पुलिस द्वारा, इनको थोड़ा और बढ़ने दे तब चिंता नहीं? आप बात घुमा रहे हैं अमिताभ, किसी बात है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उन पुलिस वालों को देखिए, आप लखनऊ देखिए आकर किस तरह से चेकिंग हो रही है, किस बकार जी असीम बकार जी पकड़े जा रहे हैं, चोरी की बाइक पकड़ी जा रही हैं। असीम बकार जी आपको याद होगा शायद दिए गए हैं, नहीं आपको शायद बाद भी अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसे सजा दी जा रही है। असीम बकार जी सजा का हकदार है इसलिए उसको सजा दी जा रही है। बकार साहब यहाँ तो तीन घटनाएं हो गई, पता नहीं कैसा लोकतंत्र है, कैसे लोग हैं, कैसी सहन शक्ति है उत्तर प्रदेश की, वरना एक एक घटनाओं ने सरकार को भूतपूर्व कर दिया। कहिए तो उदाहरण बताओ, यहां तो तीन घटनाएं घट गई, एक माया त्यागी बलात्कार कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, हरीश जी याद है? हाँ बिल्कुल याद है, एक घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया था, चौधरी चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। किसी बात कर रहे हैं आप? ये तो भला करिए कि हमारे प्रदेश के लोग उनकी सहनशीलता बढ़ गई है, वरना मूवमेंट मुश्किल हो जाता पॉलिटिकल लोगों का सड़क पर। बकार साहब वो माओ जो आदमी था वो अपराधी था ठीक है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में कोई मरना नहीं चाहिए, उसको सजा अदालत देगी, यही कानून है ना आईन। वो मर गया, उसकी मां कह रही है कि एसएसपी ले गई थी, क्या नाम है उसका लड़की का? मंजिल सैनी इलाज के लिए। उसकी बीवी कह रही मुझे शक हो गया था कि अभी लौट के नहीं आएंगे, चूंकि एसएसपी ने कहा था जो बात करनी है आखिरी बार कर ले, कहा नहीं कहा मैं बहस में नहीं पड़ता। पुलिस के मुंह पे इससे बड़ा कोई थप्पड़ होगा क्या? 200-300 सशस्त्र पुलिस कर्मियों और वज्र वाहन में चलने के बाद भी आदमी 20 सड़क मार दिया गया, जिस मामले की मॉनिटरिंग आपका डीजीपी भी कर रहा था बैठकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कर रहा था, वहां मार दिया गया, तो ननकू को कोई मार जाए कौन सुनेगा? और एक बात आपको याद होगी बकार साहब, मैंने कई बार कही इसी शो में, अपराधी अपराध करे मेरे लिए कम चिंता की बात होती है, जब पुलिस वाले अपराध करने लगे उससे बुरी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। खेत में हुए 100 बलात्कार और थाने में हुआ एक बलात्कार, वो एक बलात्कार ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। ये तो सोचिए, छोटी बात है किसी सरकार के लिए। राजेश जी गायत्री ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सवाल यही उठ रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर आखिर सरकार क्यों फेल हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश कुमार राय जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर कोई सरकार चाह ले तो क्या पुलिस प्रशासन को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, कानून व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, या फिर ये सरकार के बस की बात नहीं है? ये आपने जो कहा ये बिल्कुल सच है कि अगर एक बार इच्छा शक्ति हो कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। दूसरी बात, अपराध
हमेशा जैसा अभी आदरणीय वकार साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अपराध हमेशा हुए हैं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाए कि जहां चाहे वहां उन्हें कोई किसी तरह की चिंता की बात ना हो। अभी अभी माननीय अमिताभ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सिपाही पे, दरोगा पे, सब पे सरकार का नियंत्रण है। मेरा आपसे यह कहना है कि सिपाही पे, दरोगा पे जिसका नियंत्रण होना चाहिए आज की तारीख में उसका नियंत्रण नहीं है। दरोगा के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए उसके कप्तान का। दरोगा को यह मालूम होना चाहिए कि अगर कप्तान की नजर टेढ़ी हो गई तो मैं थाने में नहीं रह सकता। सिपाही को यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे दरोगा जी हमसे नाराज है, हमारा काम सही नहीं चल रहा है, तो मैं इस थाने पर नहीं रह सकता। आज स्थिति वैसी नहीं है। जब यह स्थिति नहीं होगी, दरोगा का, सिपाही का, अन्य अधिकारियों का, जब उनका माई बाप उनका अधिकारी नहीं होगा, जो उनका नियंत्रण करता है, जब वो नहीं होगा, राजेश जी तो उस स्थिति में आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। मेरे मन की एक उदाहरण बता दूं, उदाहरण से बात रखूंगा, कटे नहीं। असीम वकार जी, जहां आप अमरनाथ अग्रवाल जी, हरीश जी सब लोग रहते हो, उस शहर में जिसको राजधानी कही जा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां के कप्तान है यशस्वी यादव, ठीक। कानपुर में एक हत्याकांड हुआ, एक बच्ची की हत्या की गई, उसके पति और उसकी प्रेमिका उसमें शामिल थे, वो देश भर में गूंजा। उस कांड का अभियुक्त तो बड़े परिवार का लड़का था। जब वो पकड़ा गया तो जो सीओ था उस वक्त कानपुर में तैनात, सुन लीजिए गौ गौ से, उसने उसका माथा चूम के पूछताछ की। कैसे? प्यार से माथा चूम के, बगल में बैठाल के, मैगी वगैरह मंगवा के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इतनी कठिन पूछताछ की एसओ ने। आप समझ रहे हैं ना सीओ ने? हम लोगों ने बवाल किया, खबर चलाई, शासन को मजबूर किया। शासन भी गोल गोल जलेबी बना रहा था, मन में था कि सीओ को बचा ले, लेकिन कैसे बचाता? शासन को उसको सस्पेंड करना पड़ा, ठीक। वही प्रातस्मरणीय सीओ को लखनऊ लाने के लिए यशस्वी यादव ने चिट्ठी बढ़ाई आगे। डीआईजी उस रेंज के, आईजी उस रेंज के, उन्होंने मना किया कि इसको नहीं भेज सकते लखनऊ, बवाल हो जाएगा, ये बहुत दागी है। उन दोनों अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स की इच्छा के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय से आदेश लेके आ गए। कप्तान बोले आप मेरे ठेंगे पे आईजी और डीआईजी, और उसको महान सीओ को ज्वाइन करा दिया। एक दूसरा उदाहरण दे दूं कैसे चल रही सरकार, और इकबाल गौर से सुन लो, उत्तर प्रदेश हांगकांग तो है नहीं, ना वॉशिंगटन है, गरीब गुरबा है ना, गरीब गुरबा सूबा है अपना सूबा, तो 1.25 करोड़ की लूट हुई लखनऊ में, कितने की? 1.25 करोड़ की। आपका कप्तान आया टीवी कैमरास के सामने और उसने क्या कहा मालूम? अरे कोई लूट होती है, टप्पेबाजी है, समझ रहे ना? ये क्या पहले वहां वॉरेन बफेट क्या नौकरी करता था क्या कप्तान आपका? ये बिल गेट्स क्या अकाउंटेंट था क्या था भाई? ये बिल गेट्स क्या नौकरी करते थे क्या? ये 1.25 करोड़ की लूट बता रहे, टप्पेबाजी है। ऐसे चल रही सरकार, ठीक का राजेश राय ने, आपके यहां दरोगा कप्तान हटवा रहा है और कप्तान आईजी डीआईजी को ठेंगा दिखा रहा है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और कई जगह तो सिपाही इतने पावरफुल है जो एसएसपी के कान में लगा देते हैं कि भैया जी से बात करो, ले आप हमको जानते नहीं हो, क्या करेंगे बगार साहब? इसलिए ये दुर्दशा हो रही है उत्तर प्रदेश की। मैंने दो उदाहरण रखे आपके सामने राजधानी के। नहीं नहीं, आप दो नहीं, आप 10 उदाहरण रख सकते हैं, आप 10 उदाहरण रख सकते हैं और मैं सुनूंगा आपके उदाहरण। लेकिन जिस तरह से आपने यहां पेश किया है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक रुख अच्छा जो है आप वो भी देखिए। दूसरी बात, अभी आपने जो कही ये 1.25 करोड़ की लूट वाली, हाँ? तो इसमें जो दोनों गार्ड थे जो खड़े हुए थे वैन के पास, मैं यहां पर सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं खाली आपको। वो पहले सामने एक ठेका शेद था, वहां पहुंचे कि यार वो कुछ लोग, दो लड़के मेरा बक्सा ले आए हैं। फिर उसने जाके दूसरी दुकानदार से पूछा, उसने कहा नहीं मैंने देखा नहीं। वो मेरे ख्याल से जो
क्लियर बात जो टप्पेबाजी वाली है, टप्पेबाजी का मतलब यह है कि ठगी की गई है, उन गार्डों को धोखे में रख के बातों में लगा के वो बक्सा बकायदा पैदल लेके गए हैं भैया। बकायदा जो जिसमें गोली चले उसी को लूट मानोगे? अरे मेरी बात तो सुनिए अमिताभ जी, अजब कप्तान है भाई। मुझे रिक्वेस्ट ली है, अब आप ये बताइए कि जो गार्ड उस सिक्योरिटी में तैनात है जिनके ऊपर 25 करोड़ की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर तो टप्पेबाजी कर रहे हैं भाई। बात हो गई, गार्ड जिम्मेदारी नहीं निभाए तो गार्ड जिम्मेदार, अच्छी बात है। उनकी आंखों के सामने से डिब्बा जा रहा है। अमरनाथ जी को आप दोषी ठहरा रहे हैं? अमरनाथ जी मैं तो एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नई थ्योरी सरकार की भी दोषी हो गई, समाजवादी पार्टी इनकी सरकार ने एक सेकंड जी नई थ्योरी दे दी। अपने अपने माल असबाब की सुरक्षा खुद करो, अपने जान की हिफाजत खुद करो। जो आदमी अपने जान की हिफाजत नहीं कर सकता सरकार की दोषी है, वो मर जाए तो किसने आपसे कह दिया कि अपने जान माल? मैं बता रहा हूँ, अब धैर्य रखो। आपने कहा एक मिनट, गार्ड ने लापरवाही की, लेकिन अपराधियों का दुष्टाचार 10 कदम दूर पे लूट कर रहे हैं। हरीश जी एक मिनट भाई, असीम बकार जी आपने एक उदाहरण दिया कि गार्डों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो शासन क्या करे। वही से मैंने कहा उसका एक्सटेंशन ये भी माना जा सकता है जो आप कह रहे हो कि भाई आदमी ने अपनी हिफाजत नहीं की मर गया, फिर हम क्या करें? तब तो कोई अपराध शासन के सिर नहीं आता। कोई भी अपराध दुनिया में ऐसा नहीं जो शासन के सिर आए, कोई अपराध नहीं। आप मुझे बहुत अदब से मैं पूछ रहा हूं, ये बता दीजिए कि जो गार्ड थे उनके जिम्मेदारी में 1.5 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ रुपया भेजा गया कि आपको इसको लेके जाना है, और वो अपनी जिम्मेदारी ना मैं बहुत अदब से पूछूं, अमरनाथ जी एक मिनट भाई, सोच के रखना बनती है। असीम बकार जी अब लास्ट बार एक टिप्पणी कर रहा हूं, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा, उसको सुन लीजिए धैर्य से। गार्ड की जिम्मेदारी है उस दफ्तर की हिफाजत, और कप्तान की जिम्मेदारी है उस जिले की हिफाजत। उस कप्तान को भी डूब के मर जाना चाहिए जिसके जिले में आना चाह हो, आप समझ गए ना। गार्ड को, मालिक इस चौकीदार को, माली को, ड्राइवर को तो दोषी ठहरा देते हो, वो कप्तान किस लिए होता है, किस लिए ये हमला? और उस प्रदेश की सरकार को भी शर्म आनी चाहिए जिसके प्रदेश में आना चाह हो। जिम्मेदारियां बहुत साफ है। अमरनाथ अग्रवाल जी अब बताइए। अमिताभ जी उस घटना पे मैंने प्रेस नोट बनाया क्योंकि पूरे शहर में था कि लूट हुई है, लेकिन जैसे पुलिस पहुंची तो पता नहीं घटनाक्रम में क्या परिवर्तन हुआ, तो हमारे पास खबर आई कि लूट नहीं है, ये बैंक के अधिकारियों की कुछ हेराफेरी है। और टप्पेबाजी वाला इश्यू तो बाद में उठा, ये हुआ कि बैंक एक सारे घटनाक्रम को ऐसा संदेहास्पद कर दिया गया कि समझ ही नहीं आया कि लूट है, टप्पेबाजी है कि बैंक अधिकारियों का फ्रॉड है। जब आप घटना को दबाने की कोशिश, छिपाने की कोशिश करेंगे, एकदम साफ बात है अमिताभ जी, लबोलवाब यह है कि समाजवादी पार्टी पुलिस से अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा कराने में लगी है। हरीश जी एक सवाल उसी पर उत्तर दीजिएगा। अब सच्चाई निकल के आ गई तो अब मसला दूसरा हो गया। नहीं, पहले तो आप लूट बता रहे थे, अब आप खुद ही मसला दूसरा बता रहे हैं। अमरनाथ जी के कहने से मसला नहीं बदलता। मैं क्या कहा अमिताभ जी, बताइए मसला वही है जो मैंने खड़ा किया। मसला कोई नहीं बदलता। क्या भाजपा कांग्रेस सपा बसपा के कहने से मसला बदल जाएगा क्या? जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसको दरोगा ने उठा के नीचे फेंक दिया, उसके आपके कहने से मसला बदल जाएगा क्या? नहीं। हरीश जी जी कहा जा रहा है कि टप्पेबाजी हुई, एसएसपी कह रहा टप्पेबाजी हुई, हम कह रहे हैं लूट हुई। परिणाम एक ही आया ना, पैसा चला गया अपराध में, ठीक, अपराध के जरिए, ठीक जी। क्या छेड़खानी पुण्य का काम है और बलात्कार ही केवल पाप है? टप्पेबाजी और लूट के तुलनात्मक मैं एक दूसरा उदाहरण रख रहा हूं। बोले जी छेड़खानी हुई तो छेड़खानी पुनीत कर्तव्य है क्या? टप्पेबाजी पुनीत कर्तव्य है क्या? ये क्षम्य है। शासन की जिम्मेदारी इन टोटो है कि नहीं है? का 1,33,00,000 रुपया गया ना। मैं वही कह रहा हूं, परिणाम तो वही है ना। हाँ बिल्कुल है। फिर हम एसएसपी को वॉक ओवर कैसे दे दे, व्हील आउट कैसे कर दे? नहीं बिल्कुल नहीं साहब, मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वहां से आधा किलोमीटर भी नहीं है। ये दुस्साहसिक वारदातें मेन रोड पे हो रही है,
दिन दहाड़े हो रही हैं, और तो ये तो कानून व्यवस्था के मुंह पे एक तमाचा है। अरे फिर जिस जिस कानपुर और लखनऊ में कितनी दूरी है? कोई दूरी नहीं। देश के प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, वहां का कांड जो पूरे देश भर के मीडिया चैनल्स में छाया रहा 15 दिन, उस कांड में शर्मनाक हरकत करने वाला पुलिस का अधिकारी, उसको जबरिया आप लेके आ गए दोबारा राजधानी में तैनात कराने के लिए। क्या मीठा है उसमें? वो पतित आदमी है जिसने एक बच्ची के हत्यारे को अपनी बगल में बैठाल कर चूमा और बोला मैं इंट्रोगेशन कर रहा हूं। ये तो भला हुआ मेरे कैमरामैन ने स्ट्रिंग करके उसका फोटो ले लिया, विजुअल ले लिया। क्यों जरूरत था उसको लाने की? उसके बिना राजधानी नहीं चल रही थी। वो कानून व्यवस्था संभालने का मास्टर है या अपराध का मास्टर है या अपराधियों के साथ मेलजोल का मास्टर है? क्यों लाना पड़ा? बकार साहब, ये लोग पार्टी और सरकार दोनों का चेहरा खराब कर रहे हैं। जान लीजिए, अपराधी आपकी सरकार का चेहरा कम खराब कर रहे हैं। जो हुकूमतें उत्तर प्रदेश से तनख्वाह पा रहे हैं ना, वो लोग आपके चेहरे पर ज्यादा कालिख बन रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा? रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। मैं क्या जानू सिपाही को दरोगा को? भाई मैंने वोट जिसको दिया, कटघरे में उसको खड़ा होना चाहिए। राजेश राय जी, एक एसएसपी, एक टेंटेड पुलिस अधिकारी को लखनऊ में राजधानी में तैनात कराने के लिए इतना बेचैन क्यों रहा? आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या कारण है, क्यों उनको लाना चाहते हैं यहां पे, उनके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है? वो ले आए भैया, वो ले आए। अगर मान लीजिए उनको लाना भी चाह रहे थे तो नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं अमिताभ जी। जी, अगर वो ले भी आना चाह रहे थे और उनसे वरिष्ठ अधिकारी इस बात को महसूस कर रहे थे कि उनको यहां पर लाना उचित नहीं होगा, तो फिर अपने आईजी और अपने डीआईजी और आईजी उन लोगों की बात को दरकिनार करके अपनी ये शक्ति दिखाने का जो एक भाव है कि देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जो चाहता हूं वो होगा, ये जो भाव है, ये भाव है जिसकी वजह से चीजें दुरुस्त नहीं हो रही हैं। नहीं, ये भाव तो सिपाही में भी है भैया। राय साहब, कई बार सिपाही भी एसएसपी को मुंछे हट के दिखा रहा कई जगह। एग्जैक्टली यही, ऐसे ऐसे सिपाही है कई, बहुतों को तो मैं ही जानता हूं व्यक्तिगत तौर। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि बात, मैं आपकी बात ये कह रहा हूं कि चाहे वो सिपाही हो और चाहे वो कहीं से कहीं किसी जगह पे हो, अगर उसकी डोर अपने डिपार्टमेंटल उसमें अनुशासन में नहीं बंधी है, उसकी डोर कहीं और बंधी हुई है, तो उसके बाद फिर वो किसी की सुनता नहीं है। अगर उसकी डोर मजबूत है तो जी, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कानून भी बेलगाम है और कानून के रखवाले भी। भारी जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, क्या ये सरकार, मौजूदा सरकार, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसमें नाकाम साबित हो रही है? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल ये नाकाम साबित हुई है जी। अनेक घटनाएं घटी हैं और दिन ब दिन, रोज ही, नित्य ही घटनाएं घट रही हैं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है जी। तो राजधानी में घटनाएं घट रही हैं, प्रमुख शहरों में, अभी बनारस में वहां के एसएसपी का जो गनर था वो वहां के लूट के 3 सिपाही उसमें पकड़े गए जो वहां के सराफा व्यवसायियों को लूट रहे थे जी। तो इस तरह की चीजें पूरे प्रदेश में सरकार के जिम्मे ही तो है, जनता की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा का जिम्मा, और अगर वही चीजें नहीं मिल रही है तो ऐसे में सरकार पर सवाल ये कि क्या सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है? पूरी तरीके से नाकाम है। सरकार की मंशा नहीं है कानून व्यवस्था लागू करने की। सरकार जो कानून व्यवस्था के लागू करने वाले हैं उनसे अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करा रही है, अच्छे अधिकारियों को कमरों में बंद करे हुए हैं, और सरकार ऐसे ही अधिकारियों से जिनके पर लालच है, जिनके पास, वही इनका सरकार का एजेंडा पूरा कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग अच्छी अच्छी जगहों पे कर रहे हैं। बकास साहब, सफाई में, बचाव में कोई आखिरी कमेंट हो आपकी तरफ से तो दे दीजिए, नहीं तो संपादकीय बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को है। संक्षेप में कहिएगा जी, उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस के माध्यम से कोई कांड या कोई अपराध किया जा रहा है तो उसमें उसको सजा दी जा रही है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, निलंबित भी किया जा रहा है, बर्खास्त भी किया जा रहा है। और मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसे उत्तर प्रदेश, ऐसे प्रदेश में रहता हूं जहां पर 14 आईपीएस जेल नहीं गए सरकार के लिए काम करते हुए गलत।
हमारे उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों से गलत काम नहीं कराए जाते हैं और जो अपने आप कर रहा है उसे सजा दी जा रही है। कानून व्यवस्था है, आप मेरा इशारा समझ गई होंगी। ठीक है, बताओ साहब, आपकी बात आ गई, आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, समाजवादी पार्टी को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अभी समझ लेंगे, थोड़ी बहुत गोली खाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे तो हो सकता है तबीयत कुछ सुधर ही जाए, नहीं तो कैलेंडर तो बदलता है, 17 भी आएगा, 17 रुक तो जाएगा नहीं। बकार साहब के लिए संज्ञान में एक बात डाल दूं, राजधानी से 500, 700, 800 किलोमीटर दूर कोई बर्बर अपराध होता है, इस्तीफा तो सरकार का मांगा जाता है कि दरोगा का इस्तीफा मांगता है कोई लोकतंत्र में? कोई दरोगा का इस्तीफा मांगता है क्या? या कोई इस बात से संतुष्ट होता है समाज कि नहीं वो सिपाही को हटा दिया, देखिए वो लल्लू लाल था ना सिपाही, उसको निलंबित कर दिया, अब वो वहां पुलिस लाइन में दंड फेल रहा है, इसका क्या करें? ओढ़े के बिछाए क्या करें? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आके लोगों के नाखून खींचे थे प्लास से? इंदिरा गांधी ने नसबंदी की थी क्या अस्पताल में? नहीं ना, अपमानित इंदिरा गांधी हुई, पराजित इंदिरा गांधी हुई, पता है ना, इस बात को ध्यान रखिए। ये दरोगा सिपाही जो जय हिंद कर रहे हैं ना, ये सब भग जाएंगे चुनाव में, ये कुछ नहीं लाभ दे सकते। मैंने जिस बात की ओर इशारा किया उस बात को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी समझ लेगी उतनी जल्दी अपना भला कर पाएगी। आपका नुकसान दूसरी पार्टियां नहीं कर रही, आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का, आपके खुद के नेता एक व एक और दो आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, यही अधिकारी, यही दो लोग मिलके 17 का पूरा इंतजाम किए दे रहे, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना, ये पूरा घाट बनाए दे रहे, पानी भी छोड़े दे रहे उसमें, ये जान लीजिए। आपको पता है क्या बोला गया और किसने बोला? मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, वो बहस, वो शब्द मेरी मां बहन को भी अपमानित करता है, असीम वकार की मां बहन को भी अपमानित करता है, अमरनाथ अग्रवाल की मां बहन पर भी सवाल होता है, हरीश श्रीवास्तव जी की मां बहन का भी अपमान करता है, पूरे मुल्क की मां बहन का अपमान करता है वो शब्द, और किसने बोला? उत्तर प्रदेश के उस कबीना मंत्री ने जिसका अधिकृत तौर पर सरकार में दूसरे पायदान पर स्थान है, नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। बकार साहब, मैं वो शब्द मुंह से नहीं लेना चाहता, क्या कहा गया? मैंने ऐसी बात अपने कानों से सुनी नहीं इतनी उम्र में, उतने बड़े कद के आदमी के मुंह से क्या कहा गया पता है ना? पता तो होगा ना, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, समझ लीजिए। बड़ा पुनीत महीना चल रहा है ये, इसमें मोक्ष मिलता है गंगा स्नान करने पर, आज दिन भी अच्छा है, लेकिन संकल्प आपको लेना होगा, जब तक सिपाही एसपी का तबादला करवाते रहेंगे, जब तक एसपी आईजी डीआईजी के मुंह पर थूकते रहेंगे, जब तक आईजी डीआईजी डीजीपी को डांटते रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं। मैं राजेश राय की बात से 100% सहमत हूं, आपने पुलिस में हायरार्की सिस्टम ध्वस्त कर दिया, कोई हायरार्की सिस्टम नहीं, बलिया के किसी थाने में पता लगता कोई दरोगा इतना पावरफुल है वो डीजी का फोन नहीं लेगा, और कौन रखो फोन, कौन है डीजी? ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं हमारे सामने, ये ऐसे ऐसे चलेगा सिस्टम? आपके एक थे शर्मा डीजीपी, शुरुआत में मालूम है उसने क्या कहा था शर्मा ने मेरे माइक पर, असीम वकार जी, उसने जब फैजाबाद में दंगा हुआ उसने मेरे माइक पर कहा उस डीजीपी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश, कि मैं क्या करूं, मेरी बातें नहीं सुन रहे पुलिस वाले, मैं क्या करूं? कैन यू इमेजिन, असहाय लाचार लचर टूटी कमर वाला डीजीपी, वो बोला मेरी बात नहीं सुन रहे मेरे माता है, मैं क्या करूं अग्निहोत्री जी,
मेरे मंच पर बोल के गया। ऐसे डीजीपी के नाम का मांग में सिंदूर जो सूबा भर लेगा, उस सूबे में कानून व्यवस्था रहेगी क्या? ये जान लीजिए मित्र, लोगों की हाय बहुत गहरी होती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, उसको सुधारिए। सड़क, थाना, जेल, हर जगह खूनी खेल। इसलिए मैंने आज इसका नाम यही रख दिया, पंचलाइन ही दी। एक भी जगह सुरक्षित नहीं छोड़ी अपराधियों ने। आम आदमी तो गोली बंदूक नहीं चला सकता, इसलिए पुलिस है। और पुलिस ठीक काम करे इसको देखने के लिए सरकार है। तब ठीक काम क्यों नहीं हो रहा? सरकार भी है, पुलिस भी है, फिर काम क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये बड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोच लेंगे अच्छा, नहीं सोचेंगे तो प्रदेश को तकलीफ और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका, मनाज जी आपका, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश कुमार जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।